बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स नाउ में। एशिया कप शुरू होने में थोड़ा वक्त बचा हुआ है, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने उससे पहले ही इस चीज का दावा कर दिया कि एशिया कप जीतने वाले हैं। दरअसल रोहित शर्मा ने क्या कुछ कहा, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप बने रहिएगा अंत तक। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक स्पोर्ट्स नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। अब आते हैं दरअसल इस खबर पर। एशिया कप की टीम का ऐलान कर दिया गया भारत की ओर से और 17 खिलाड़ियों की लिस्ट आ चुकी है, जिनमें से कुछ खिलाड़ी जो चहल टीम में जगह नहीं बना पाए हैं। तिलक वर्मा की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है, संजू सैमसन बैकअप में है, तो ये एशिया कप को लेकर तैयारी हो गई। लेकिन एशिया कप से पहले होना क्या है कि 24 तारीख से भारत का जो कैंप लगने वाला है बेंगलुरु में एनसीए में कैंप लगेगा, ताकि खिलाड़ियों की जो फिटनेस है वो पूरी तरीके से देखा जाए। ऐसे में रोहित शर्मा, विराट कोहली और फिर इसके अलावा सूर्या यानी कि सूर्य कुमार यादव, ये तीनों आज उस कैंप को ज्वाइन करने बेंगलोर पहुंच रहे हैं। इसी को लेकर जब रोहित शर्मा एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, उनकी पत्नी भी उनके साथ थी वहां, उस वक्त उन्हें मीडियाकर्मी ने सवाल पूछना शुरू कर दिया और उनसे सवाल पूछा गया रोहित शर्मा से कि एक सवाल आता है कि रोहित भाई एशिया कप का वेट है, जिस पर रोहित शर्मा जवाब देते हैं कि जीतेंगे भाई जीतेंगे, यानी कि साफ तौर पर उन्होंने दावा किया है कि वो एशिया कप जीतने की बात कर रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात जरूर रहेगी क्या टीम इंडिया उस लायक है कि एशिया कप जीत पाएगी, आपके सवाल का इंतजार रहेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो शुरुआत विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव आज टीम को ज्वाइन कर लेंगे एनसीए में जाकर। इसके अलावा जो बाकी के खिलाड़ी हैं, जैसे कि जसप्रीत बुमराह हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, यानी कि जो आयरलैंड सीरीज में जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, ये इस सीरीज के बाद जाकर एनसीए में एक सप्ताह का जो कैंप लगेगा उसको ज्वाइन करेंगे। उसके बाद वर्ल्ड कप और एशिया कप के लिए टीम वहां से रवाना हो जाएगी, फिर उसके बाद ज्यादा वक्त नहीं बच पाएगा। तो ये पूरी खबर थी, बाकी रोहित शर्मा के इस दावे में कितना दम है कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको लगता है कि भारतीय टीम एशिया कप जीतेगी और ये टीम वर्ल्ड कप भी जीतेगी, तो अपनी राय जरूर दीजिए। फिलहाल आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।